चलिए बनाते हैं काले चने का छोला। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे जीरा, बारीक कटे हुए प्याज डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज जब अच्छी तरह से भून जाए इसके बाद डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर और प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से ढक देंगे। 2 से 3 मिनट पर देख सकते हैं टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन पेस्ट, मिक्स करेंगे इसे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, छोले मसाला डाल देंगे 1 चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को हम 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। मसाले जब अच्छी तरह से पक जाए इसके बाद हम डालेंगे इसमें बॉयल्ड चने। चने को हमने 5 सीटी आने तक बॉयल कर लिया है। चने को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 गिलास पानी, 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें गरम मसाला डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च डाल दें। मिक्स कर लेंगे इसे हम 10 मिनट के लिए। इसे ढक के और पका लेंगे हम 10 मिनट के बाद। देख सकते हैं छोले बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे। काले चने के छोले बनकर बिल्कुल तैयार है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।